सबको मैं मिस कर रही हूँ, तो फिर खुद आ गई ऐसे है ना, है ना। ये वाला दिन है और काफी सारे मैंने डाल दिए। मोटरसाइकिल तो आज ठीक है नहीं, फिर कैसे जाएंगे? तो ये सिलाई भी तो जरूरी है ना, कपड़े कहने तेरे फूट में नहीं है, सिलाई करना जरूरी है। ये मेरे है, ये दरदानी आपकी जो है वो मर्दों वाले कपड़े सिलाई करके देती है। सिलाई करके देती है, आप कहेंगे तो आपकी सिलाई भी करवा दूंगी। अच्छा, अभी इनको फोल्ड कर ले हैं, इनको करो फिर मुझे बता दो। मेरे तो नहीं डाले आपने, ये बाबी रिमशा और मेरी है, रिमशा के और मेरी है। अच्छा, अभी ये तो है और तो ये है ना। अच्छा, सारे कपड़े पहले से ही चले हैं। कब से जो है भाभी जान कह रही है, तो मैं अपने भी और भाभी के भी जो है साथ लेकर जा रही हूँ सिलाई के लिए। तो भाई के साइकिल पे फिर चले, साइकिल पे चलना होगा। ठीक है, साइकिल पे भी चली जाऊंगी, ऐसी कौन सी बात। आज हम साइकिल पे जाते हैं, शादियों को लेके जाता हूँ, कपड़े देने हैं, दूर नहीं है पास ही है, तो साइकिल पे हम जा सकते हैं। ऐसी अकेली तो मैं नहीं जा सकती, भाई को साथ लेकर जा रही हूँ। तो फिर चले साइकिल, मैं आप कब मोटरसाइकिल आपकी बनेगी? पता नहीं, पहले पता नहीं क्या हो गया, मोटरसाइकिल ने यकीन जाने काम किया हुआ है, क्योंकि दर्जानी भी तो है देर लगा देती है, तो इसलिए हम पहले जो है सिलाई के लिए कपड़े लेकर आते हैं, कुछ दिन पहले देने पड़ते हैं। चलो फिर, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफों में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़, और आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज भाई जो है, आज मैं शाजिया को साइकिल पे बिठा के हम जा रहे हैं कपड़े सिलाई के लिए देने के लिए। तो मैंने कहा शाजिया आज हम साइकिल पे जाएंगे, मोटरसाइकिल खराब है। मोटरसाइकिल हमारी खराब हो चुकी है, तो अभी चलते हैं सिलाई के लिए कपड़े देने हैं। तो मैंने भैया को कहा है कि आप ना मुझे साइकिल पर ले जाएं, क्योंकि इससे यह है कि एक्सरसाइज भी बंदे की हो जाती है और बंदा फिट रहता है। ये मेरे अब्बू की साइकिल थी और अभी देखें बहुत पुरानी हो गई है, मैं स्कूल इसी साइकिल पे जाता था। और अभी मैं शादिया को बिठाता हूँ और फिर हम जाते हैं। बैठो हाँ। शादिया फिर एक मिनट मुझे मोड़ कटने दो, आप मुझे गिरा ना दें। कहीं नहीं गिराता, टेंशन ना लो, मैं खुद पहले गिरने लगा। ख्याल करना भाई, मुझे गिरा ना देना। बैठो शादिया फिर, आज हम साइकिल पे जाते हैं। आप मुझे गिरा तो नहीं देंगे? पहले इधर आप, हम टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं ना, अगर हमें लगेगा कि इसमें हम नहीं जा सकते तो फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, जाते थे पतला स्मार्ट सा था मैं, ये क्या आप तो साइकिल भी नहीं चला सकता, अब शादिया साइकिल पे नहीं भाई आप नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे अब अभी तो कुछ नहीं होगा हुआ, लेकिन फिर आप मुझे लेकर जाएंगे तो मैं गिर जाऊंगी, तो मुझे चोटें लग जाएंगी, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अभी हम वृद्धा उस पे जाते हैं, पैदल जाते हैं। पैदल आप चले जाए मेरे साथ, क्योंकि आप साइकिल चला ही नहीं सकते तो आप मुझे गिरा देंगे। चला लेता हूँ, आप इतनी वजनी पीछे बैठ गई हो, साइकिल कब से खड़ा हुआ है? आपका वजन बहुत ज्यादा है, मेरा तो कम है, आप देख सकते हैं। आप
मेरा वजन ठीक है ज्यादा, लेकिन ये बात सही है आपकी, लेकिन अब क्या करें, फिर मोटरसाइकिल का मसला बना हुआ है। और ज़ारा हम बर्थडे पे नहीं गए, ज़ारा आज हमारे पास आई हुई है, तो ज़ारा से भी आपको मिलवाते हैं। आ जाओ ज़ारा, देखिए ज़ारा ने कहा कि मेरे मामू और जो है मेरी खाला नहीं आए, तो मैं जो है मामू से मिलती हूँ। एक मिनट पकड़ो, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो। शर्म आती है। देखिए ज़ारा आज हमारे पास आई हुई है। ज़ारा और... शर्म आती है आपको सलाम बोलने से? शर्म आती है? खुश हो रही हो? है क्यूट सी मेरी बाजी है, ये तो क्यूट सी मेरी बाजी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत इसने बहुत वेट किया है कि मामू और खाला आएंगे। तो इसने जब किया देखा है कि मामू और खाला को ना सबको मैं मिस कर रही हूँ, तो फिर खुद आ गई। ऐसे है ना, है ना? चलो जाओ खेलो मुस्तकीम और जोया के साथ। कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दो। तो सब कह रहे होते हैं कि गर्मी है, अभी गर्मी नहीं आई, तो देखें मुझे पसीना आ रहा है। आपको गर्मी लग रही है? हाँ, गर्मी आ चुकी है। रात को बाहर सोने का दिल करता है, सूरज की तपिश जो है बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। चले फिर आगे, अभी कपड़े दे के आती है तो बाकी भी लोग फिर आगे शुरू करते हैं। ऐसे अभी हम चलते हैं, पैदल ही जाएंगे आप, तो फिर आप मेरे को आगे छोड़ आता हूँ। आगे मुझे छोड़ दे, मैं आपको कपड़े। ये अभी मुस्तकीम और ज़ारा ये क्या चला रहे हो? गड्डी, गड्डी बुलाई बैठे हैं। ज़ारा क्या चाहती बैठी है? लंका के को मारन की ते तने अपनी दी बुलाई बैठी है। अच्छा, भले की में चलाई बैठे हुए के तलु के तो ते बैठे हुए तलु कुत्ता होता है। अच्छा, ये हैंडल है? ये क्या है, कार है, जहाज है, क्या है? बस। बस होते है, एक बंदा बांधे देखा है, एक पीछे भी लाई बैठे है। हैं बंदे बांधे बांधे। अच्छा ज़ारा खुश बैठी है? हैं अच्छा, अपने जीव को दाता ने कपड़े जो है सिलाई का के लिए देकर आ गई हूँ। तो हम घास में जा रहे थे तो ज़ारा भी मेरे साथ है और इंशा भाभी भी, तो हमने सोचा कि अपने गांव की आपको सैर भी करवाएंगे और घास भी जो है काटेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो आपको कैसी लगी है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।